हेलो फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ द फोर्थ वन, और जिसके अंदर हम यूनिट टू कर रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ मैकेनिज्म प्राइस, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म पार्ट टू। देखो, जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की क्या होती हैं, और किस तरह से क्या है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर हम जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम जो एक इकोनॉमी फेस करती है उसको किस तरह से सॉल्व करती है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कैपिटलिज्म के बारे में बताया था, और इस लेक्चर के अंदर जो है मैं सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताऊँगी। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशलिज्म का अर्थ क्या होता है। देखो, सोशलिज्म जो है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी ऑनरशिप जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है, या गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, कंजम्पशन सोर्सेज को हमने किस ढंग से एलोकेट करना है, इनकम को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ये सारा कुछ जो होता है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो सोशलिज्म जो है डेट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मींस ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द स्टेट, एंड वेयर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, कंजम्पशन, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा, दे आर रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय द स्टेट। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो कार्ल मार्क्स और ई फेरिक एंजल्स ने अपनी वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर जो है सेटअप की थी। तो अब हम सोशलिज्म की डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं। देखो, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है यहाँ पे लेबर जो होता है डैट बिकम्स डायरेक्टली सोशल, क्योंकि ऑनरशिप जो होती है वो सरकार के पास होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे को जो है काम मिलता है, और एवरी वन गेट्स देयर शेयर ऑफ द कॉमनवेल्थ इन प्रोपोर्शन टू देयर लेबर इनपुट, कि जो टोटल इनकम होती है तो उसके अंदर जितनी उन्होंने इनपुट डाले होते हैं उसके हिसाब से इसको शेयर मिल जाता है। तो सोशलिस्ट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी लेबर बिकम्स डायरेक्टली सोशल एंड द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स द इक्वालिटी ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इन रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड एवरी वन गेट्स देयर शेयर ऑफ कॉमन वेल्थ इन प्रोपोर्शन टू देयर लेबर इनपुट। अब हम देखते हैं कि देखो, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके फीचर से क्या है कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे कोई वो जगह है, लोकेशन है, फैक्ट्री है, पैसा है, माइन है, एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे को काम दिया जाता है, और ये जो इकोनॉमी होती है डैट इज़ द कमांड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। और यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है एलोकेट करती है, और यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट है उस ढंग से डिसीजन लेती है, ताकि जो सोसाइटी है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर जो होता है मेन फोकस होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनकम है उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, माइनर सा होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोगों के पास एक जैसी इनकम होती है, और जितने भी चीज़ें होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं रख सकता, सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है। तो यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है उसका रोल लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट जो होती है प्राइस फिक्स करती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, डैट इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट, डैट इज़ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म है यहाँ पे कंज्यूमर की च्वाइस मिसिंग होती है, कंज्यूमर इज़ नॉट द किंग। यहाँ पे सारे डिसीजन जो होते हैं डैट इज़ टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, डैट इज़ द स्टेट। और यहाँ पे वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं जिसकी इकोनॉमिक को ज़रूरत है, जिससे लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होता है और सबको काम भी मिलता है, और चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होती है। और यहाँ पे कंपटीशन कोई नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है। जो सोशलिज्म है यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड क्यूबा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर एलोकेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। तो यहाँ पे कोई मिस एलोकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर को इंक्रीज करना है, और सबको काम मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी नहीं होती, और यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होता। और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है तो बड़ी फास्ट तरीके से होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग रिश्वत लेने भी लग जाते हैं, देने भी लग जाते हैं,
और इनएफिशिएंसी डिले जो होती है शुरू हो जाती है। और यहाँ पे लोगों के पास इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपने क्या मैन्युफैक्चर करना है। तो यहाँ पे कोई क्योंकि सबको जो है उसमें शेयर मिलना है, तो आपका अपना बिजनेस तो है ही नहीं, तो कोई मोटिवेशन नहीं है। और यहाँ पे कंज्यूमर के पास भी कोई च्वाइस नहीं है, तो रेड टेपिज्म, करप्शन जो है, रिश्वतखोरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑफिशियल जो होती है फाइलों को तभी निकालते हैं जब उनको पैसे दिए जाते हैं, और यहाँ पे जो सब कुछ है वो सरकार के पास चला जाता है, जिससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। और कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो अपना फेलवेयर ज़्यादा करते हैं, इकॉनमी का कम करते हैं, तो रिसोर्सेज के एलोकेशन के गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक राइट होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं वो नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास ऑनरशिप होती है। और यहाँ पे पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कोई इम्पोर्टेंस जो है दी नहीं जाती। और उसी तरह मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, देखो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुताबिक इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का सेक्टर होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, और प्राइवेटली भी हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं। ज्वाइंट सेक्टर के अंदर क्या है कि दोनों की पार्टनरशिप भी हो सकती है, गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसकी पार्टनरशिप भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैपिटलिज्म के भी फीचर्स होते हैं, मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं, जहाँ पे सबका डिमांड और सप्लाई, और इसके अंदर सोशलिज्म जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो इसके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं। तो जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट का भी योगदान होता है और मार्केट का भी योगदान होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है कि हम मार्केट इकोनॉमी के भी जो बेस्ट फीचर्स हैं और जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसके बेस्ट फीचर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक सेक्टर को भी प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, और साथ के साथ क्या है कि कुछ एरियाज़ के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज को भी परमिट किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज भी क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करते हैं उसको सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट करते हैं, और ये प्राइवेट एंटरप्राइज जो होती हैं पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। बट साथ के साथ ही क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। और उसी तरह जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, और यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर होता है जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन जो होते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स लिए जाते हैं। इंडस्ट्री जो होती है, अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैंने ये इंडस्ट्री लगानी है तो मैं अपनी इच्छा से वो लगा सकती हूँ। हाँ, उसके लिए जो रेगुलेशन होती है वो गवर्नमेंट की होती है। वहाँ पे मेरा जो भी कोई मैं यूनिट सेटअप करती हूँ तो वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है। पब्लिक सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट सेट करती है, जो देखती है कि इकोनॉमी के अंदर हमें इस तरह के यूनिट्स लगाने चाहिए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। मिक्स सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों का इक्वल एक्सेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो है कमोडिटी एंड सर्विसेज को इकट्ठे मिलके प्रोड्यूस करते हैं। और देखो यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और उनके एरियाज जो होते हैं डिफाइन होते हैं, और उनके ऊपर क्या होता है कि सरकार की हमेशा रेगुलेशन होती है, सरकार की कंट्रोलिंग होती है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनाता है, तो कंज्यूमर के पास काफ़ी चॉइस भी होती है, और यहाँ पे लोगों के पास भी फ्रीडम होती है कि जिस तरह का वो बिज़नेस चाहे मर्जी सेट कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो ओन कर सकते हैं, रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन होती है, कंपटीशन और प्राइस मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट मोटिव होता है तो यहाँ पे लोग इनोवेटिव होते हैं, टेक्नोलॉजिकली डेवलप करते हैं। और यहाँ पे सरकार जो होती है, क्योंकि कुछ एरिया जो होते हैं गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा इकोनॉमिकली डेवलप करने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर भी चाहे एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, पता नहीं गवर्नमेंट कब रूल चेंज करते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन एकदम ही हो गया था, GST एकदम ही हो गया था, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है कि गवर्नमेंट पता नहीं कब कौन सी पॉलिसी, कौन सा टैक्स इम्पोज कर दे। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि लोगों के पास ज़्यादा अच्छा मोटिव नहीं होता, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट सोचती है उसको वो
इम्प्लीमेंट करने के अंदर उसकी इनएफिशिएंसी होती है, और यहाँ पे करप्शन भी होती है काम करवाने के लिए। सरकारी फाइलें जो होती हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए परमिशंस लेने के लिए काफ़ी सारी रिश्वतखोरी भी देनी पड़ती है, और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट को बैलेंस बनाना जो होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।